ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, जैसे ही गाइस आप सभी को हर वीडियो में मिलता है। तो गाइस, आप लोग जो भी इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो गाइस आप लोग अपनी फोटो का लाइटर मैप ओपन करना है, फिर आपको लाइट वाला ऑप्शन में जाना है। एंड लाइट वाला ऑप्शन में जाने के बाद जो गाइस आपका हाई शेडो है इसको पूरा इंक्रीज कर देना, अगर आपकी फोटो में शेडो नहीं होगा तो। यहाँ पे मैं अपनी फोटो का जो है हाईलाइट है इसको भी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दूंगा एंड हाईलाइट जो है इसको कम कर दूंगा। एंड उसके बाद आप सभी को फिर करना है यहाँ पे जो ब्लैक है यार इसको थोड़ा सा कम कर देना। एंड चले जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद गाइस आप लोग को चले जाना मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद आपको ऑरेंज कलर का जो है पहले ह्यू और जो ल्यूमिनस है उसको देख लेना अपने फेस के हिसाब से। उसके बाद गाइस आपकी फोटो में जितने भी कलर हैं यानी ब्लू के बाद जितने भी कलर है सबका सैचुरेशन माइनस कर देना है, सिवाय आपको यहाँ पे पर्पल कलर के एंड पिंक कलर के, ठीक है, बाकी सबका सैचुरेशन जो माइनस कर देना है। इससे गाइस क्या होगा कि आपको जो मतलब जो टोन डालना है ना गाइस, वो टोन जब भी आएगा आपकी फोटो में तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इतना कर देने के बाद आपको अपनी फोटो में यहाँ पे सिंपली सियान कलर जो है गाइस, इसका मतलब कि मेरी शर्ट का कलर है, तो गाइस मैं इसको थोड़ा सा ना कम रखूँगा, ठीक है, तो इसको मैं इतना रखूँगा। एंड जो इसका मैं जो डार्क ब्लू इसको भी मैं हल्का सा थोड़ा सा कम कर लूँ एंड कर दूँगा डन। इतना हो जाने के बाद आप लोग को चले जाना है इसमें गाइस आपको कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पे गाइस आपका जो सारा खेल है यहाँ पे, ठीक है, आपको सैचुरेशन इंक्रीज करना है। एंड उसके बाद गाइस आप चाहो तो यहाँ पे कोई सा भी टोन दे सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप येलो टोन में दोगे अपनी फोटो को तो गाइस आपका जो फोटो में जो है येलो टोन बन जाएगी, ठीक है। अगर आप इसमें गाइस आप रेड दोगे तो रेड टोन बन जाएगी, मतलब आपको जैसे मतलब आप कलर मैच कराना चाहते हो ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में तीन फोटोज दिखाए थे उनके हिसाब से जो है गाइस यहाँ पे कोई भी टोन दे सकते हो इनमें कलर ग्रेडिंग के हिसाब से, ठीक है। तो हाईलाइट में जाएंगे, हम हाईलाइट में जाने का सैचुरेशन इंक्रीज करेंगे एंड इसको हम रख देंगे येलो कलर में। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो है सेम टोन बन चुकी है यहाँ पे। अब मैं गाइस यहाँ पे देखिए आपको मैं यहाँ पे ब्लू में करके दिखाता हूँ, यहाँ पे गाइस देखिए तो ब्लू में भी काफ़ी अच्छा लगेगी आपकी फोटो। तो जैसे गाइस यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, अब इसको हम एक बार यहाँ पे डन करके देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारी फोटो कैसी लग रही है। तो बाकी गाइस हम ऐसे लाइट में जाएंगे, फिर कर्व टूल में जाएंगे, कर्व टूल में जाने के बाद यहाँ से हम ये ब्लू कलर लेंगे एंड इसका जो पॉइंटर है ऊपर से पकड़ के हम इसको नीचे की साइड में लाएंगे ताकि थोड़ा सा जो है इसमें येलो टोन आ जाए, ठीक है। एंड बाकी आप ऊपर की तरफ करोगे तो गाइस इसका जो टोन है आपको वहाँ उस तरफ चले जाएगा, मतलब कि ब्लू की तरफ। बाकी वाइट में जाके आपको इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देना है एंड इसको बात कर देना है डन। इतना हो जाने के बाद गाइस आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए हमारे यहाँ पे, बिफोर एंड ये है आफ्टर, ठीक है। तो काफ़ी फ़र्क आ चुका है फोटो में, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सभी का जो यहाँ पे फोटो एडिटिंग हो चुका है तो बाकी हम यहाँ पे फोटो को सेव कर लेंगे एंड बाकी यहाँ से गाइस हमारी जो फोटो एडिट हो चुकी है। तो चलिए मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।